नए शैक्षणिक सत्र में शिक्षकों को मिलेगी ये बड़ी रात। आज जारी होगा कार्यक्रम। शिक्षकों को रात देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। सरकार नए शैक्षणिक सत्र में उतने ही शिक्षकों को बुलाएगी जितने की जरूरत होगी, शेष को दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लॉकडाउन में बाहरी जिलों से नहीं आ सकने वाले शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। राजस्थान में ब्लैक फंगस कोरोना से ज्यादा घातक, कोविड मृत्यु दर 1% और म्यूकोरमेसिस से 4.8%। राज्य में अब तक ऐसे 1524 मामले सामने आए हैं जिसमें म्यूकोरमेकोसिस या ब्लैक फंगस के आए हैं, जिनके कारण 74 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान, सौतेली माँ और पिता ने दो मासूम बच्चों को हंटर से पीटा, अस्पताल में भर्ती। भीलवाड़ा में सौतेली माँ और पिता ने क्रूरता के सारे हद पार कर दी। उन्होंने अपने दो मासूम बच्चों को हंटर से पीटा जिससे बच्ची का पैर टूट गया। जब बाल कल्याण समिति को जानकारी मिली तो उन्होंने बच्चों को बचाया और उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान फोन पे विवाद में फिर तेज हुई हलचल। सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री शेखावत को दी चुनौती। जयपुर साल 2020 में सियासी संकट के दौरान प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने वाला फोन टैपिंग विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा अपडेट यह है कि इस मामले में अब जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह की FIR को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लोकेश शर्मा की इस याचिका पर आज यानी गुरुवार को सुनवाई होनी है। लोकेश शर्मा ने FIR के क्षेत्राधिकार और कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर चुनौती दी है। आज जारी हो सकती है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की नई तारीख। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स परीक्षा की नई तिथि आज घोषित हो सकती है। दरअसल बुधवार को ही राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि एक दो दिन में परीक्षा की नई तारीख जारी की जाएगी।